पिछले एपिसोड में आपने देखा फैज, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अब्बू, हमारे लिए हमला करने का आखिरी मौका है, तो लोगों की दर्जाबंदी कर दो। अरे नहीं, क्या परेशानी है चिमचिम? ये मैक्स 6 है, इसे कुछ हो गया है। अरे इस रोबोट बंदर को देखो। वो क्या? देखता हूँ वो उसे कब तक बचाती है। फायर! लंबे अरसे के लिए अंदर जाओगे मेरे दोस्त। मैं सर्दियों की छुट्टियों से वापसी पर आप तमाम स्टूडेंट्स और टीचर्स को खुशामदीद कहना चाहूंगा। आपके सामने ये दूसरा सेमेस्टर काफी मुश्किल है, लिहाजा अपनी कमर कस लें। मैं अब अपने स्कूल के सामान को आजमाने के लिए क्लासेस का इंतजार नहीं कर सकता। स्पीड रेसर कॉपी, स्पीड रेसर पेंसिल केस और होलोग्राम प्लानर। आपकी अगली क्लास एडवांस इंजीनियरिंग टेक्निक की है। आप एक विनर हैं। ठीक है बेवकूफ। सुनो, मुझे सिर्फ बेहतर अंदाज में सीखना पसंद है। मैं ट्रैक पर वापसी का इंतजार नहीं कर सकता। मैं तुम्हें धूल चटाऊंगा। क्या इसका इंतजार नहीं कर सकते तुम? जो भी हो, मैक्स 6 वापस आ गया है तो मैं रुक नहीं सकता। दरअसल मैं तुमसे इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन मुझे मैक्स 6 के बारे में एक अजीब खबर मिली है, मुझे इसे और जांचना होगा। हाय फैज। मोहतरमा, मैं नए लोगों से मोहब्बत करता हूँ, या यूँ कहूँ कि नए लोग मुझसे करते हैं। मैं भी। ये बात तो सभी जानते हैं और नए आने वालों को भी मालूम होना चाहिए कि मैं कैंपस में सबसे मशहूर रेसर हूँ। आदाब ख्वातीन। शायद उन्होंने सुना नहीं। मैं देखता हूँ कि वो कहाँ जा रही हैं। इसके लिए गुड लक। वकार और अशरफी के जाने के बाद मुझे लगता है ये सेमेस्टर शायद अच्छा होने वाला है। मोहतरमा, बहुत घूर रहे हो। यार वो आ रही है। यार वो बहुत गुस्सा करेगी। ऐसे जाहिर करो जैसे तुमने उसे नहीं देखा। सुनो, इस्तकबाल नहीं करोगे हमारा? अरे आदाब, कैद खाना कैसा था? क्या आपको प्लेट बनाने की छूट थी या आपने धारीदार कपड़े पहने? हाँ मैं गई तो थी, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि मैं बेकसूर हूँ। बेहतरीन। जी बिल्कुल दुरुस्त। जब पुलिस आई थी तो तुम कहाँ थे दोनों? तुमने मेरे वालिद को जाने कैसे दिया? अरे यार हम जख्मी हो गए थे, ऐसे में हम उन्हें कैसे बचाते? और हाँ, वैसे भी करीम को गाड़ी चलानी नहीं आती। अच्छा मजाक है। हेलो। हाँ। खामोश बददिमागों। गुड मॉर्निंग मेरी बच्ची, मुझे मदद चाहिए। मुझे देर हो रही है अबू। अरे मैं मुआफी चाहता हूँ मेरी प्यारी। जब आप कैद होते हैं तो आप वक्त का एहसास खो देते हैं। मुझे अपनी जायदाद की हिफाजत के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। बड़ा बोरिंग है। हाँ, मेरी बोरियत वाली जायदाद से ही तुम्हारे लिए कपड़े और कारें खरीदी जाती है। ठीक है, मुझे क्या करना होगा? शाबाश मेरी जान। मेरे दफ्तर में दाईं जानिब नीचे मेज की दराज में एक सफेद जुराब है। जुराब में एक चाबी छुपी है। ठीक है, किस लिए है वो? ये मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। और मैं बता सकता हूँ, इससे एक अलमारी खुलेगी जिसमें जवाहरात और पैसे होंगे। और सलीम, मैंने क्या इस बारे में तुमसे कुछ कहा? मुआफी चाहता हूँ। उनके कुछ करने से पहले तुम्हें चाबी लेकर अलमारी तक पहुँचना चाहिए। मैं क्लास के बाद करती हूँ। और तुम मेरे लिए केक ला सकती हो फिल्मों की तरह? अब चलो भी। मैंने एक मैकेनिकल और गहरा मुआयना किया और लगता है सब कुछ जांचा जा रहा है। मैं उस अजीब पढ़ाई को दोबारा नहीं ढूंढ सका, बस उसमें एक खराबी हो सकती थी। जब तक यकीन न हो नहीं चलाना चाहिए। हलम ने सब जांच लिया था। मैं नहीं जानता, एक खराबी एक बड़े खतरे के साथ मुख्तलिफ मैकेनिकल मसाइल की निशानदेही कर सकती है। इसका मतलब सिर्फ नकली को जांचें। मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं इस बच्चे को ट्रैक पर वापस लाने का इंतजार नहीं कर सकता। सुबह की क्लास और एडवांस डिफेंसिव ड्राइविंग में फिर से खुशामदीद। एडवेंचर ट्रैक में कुछ भी हो सकता है और आपको किसी भी हादसे से बचने के लिए होशियार रहना होगा। मुझे लगा ये भी जेल में होगी। हाय अशरफी। वो सीट मेरे लिए है।
तुमने सुना नहीं, मेरा अंदाजा है कि पैसे से तुम कैद से बाहर आ सकते हो। मैं इस पर अब भी यकीन नहीं करता। स्पीड, दखल देने के लिए मुआफी चाहूंगी। क्या मैंने जो अभी कहा तुम दोहरा सकते हो? मुआफी चाहता हूँ प्रोफेसर कशिश, मेरा ध्यान नहीं था। अरे अरे, मैं जानता हूँ, मुझसे पूछो। अगर आपकी नजर ट्रैक पर से हट जाती है तो आप दूसरे ड्राइवर्स के लिए खतरा हैं। ठीक है फिर, फेज, स्पीड और अशरफी, आप डेमो देने के लिए पहले आगे आएंगे। क्या रेस देने में थोड़ी दिक्कत हो रही है? जब तक हम सब वर्चुअल ट्रैक पर नहीं पहुंच जाते, आप सबको सिर्फ एक आगाज देना है। चलो जो होगा देख लेंगे। तुम दोनों की बात हो गई हो तो बता दूं कि अशरफी 220 मील फी घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। हाय फैज, हारने के लिए तैयार हो? क्यूट है, लेकिन क्यूट लोग रेस नहीं जीतते। मजाक छोड़ो, ये मुझे कार का दीवाना बना रहा है। बिल्कुल, हमारे सामने से हटो स्पीड। लगता है हमें साथी मिल गए हैं। तो आप इस तरह से खेलना चाहते हैं? स्पीड, मुझे फिर कुछ अजीब रीडिंग हासिल हो रही है। शायद रफ्तार कम करनी चाहिए। इसका नाम स्पीड रेसर है, याद है? नहीं, क्या मैंने उसे खो दिया? शायद वो पोशीदा शील्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। रिमोट पैनल के मुताबिक शील्ड पूरी तरह से बंद है। वो वहाँ है। स्पीड, सामने देखो। हेडमास्टर, आपको ट्रैक पर उतरना होगा। स्पीड, क्या तुम ठीक हो? हाँ, लेकिन वर्चुअल ट्रैक नहीं। अच्छी कोशिश थी, ड्राइव ज्यादा कर लिया। हार गए। दोस्त, वो क्या था? मैं नहीं जानता। क्या मतलब तुम नहीं जानते? स्पीड, वहाँ क्या हुआ था? हमने तुम्हें मॉनिटर पे खो दिया था। ऐसा कुछ नहीं था जो मैंने कभी नहीं देखा। मैंने एक नमूना लेने की कोशिश की, लेकिन फिर एक जोर का धमाका हुआ। हालम, माफ करना। क्या सब ठीक है? मुझे लगता है सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। देखो, ये सब ऐसे ही होता है। इसका क्या मतलब है? मुझे अपनी अगली क्लास के लिए ट्रैक की जरूरत थी। अहम बात ये है कि सब ठीक है। स्पीड, क्या तुम्हें याद है कि हादसा कैसे हुआ? नहीं, एक वक्त में खलील और करीम के दरमियान था, और दूसरे ही लम्हे मैं उनके सामने था। मैं उनके सामने से बाहर नहीं निकल पाया। मेरी पूरी नजर वहीं थी प्रोफेसर गुलफाम, मतलब मैंने सोचा कि मैं हूँ। कम अज कम किसी को नुकसान नहीं पहुँचा। नबील की टीम के मुकाबले में हमारे पास स्टाफ की कमी है। आलम, चमचम, मैं चाहता हूँ तुम जाकर वर्चुअल ट्रैक ठीक करो। मैं उसी पर हूँ जनाब। ठीक है, यहाँ कोई तमाशा नहीं हो रहा, सब वापस क्लास में चलें। मैं समझा नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं मालूम ये कैसे हुआ। दोस्त, ये एक हादसा था, इसे जाने दो। नहीं, ऐसा नहीं था। क्या ये जाहिर नहीं है? तुम्हें लगता है कि ये इत्तेफाक था कि जिस दिन तुम क्रैश हुए उसी दिन अशरफी वापस आ गई? जब वो क्रैश हुआ तो अशरफी उसके करीब नहीं थी। नहीं, पर शायद उसने मैक्स 6 से छेड़छाड़ की। वो ऐसा क्यों करेगी? अरे, वो क्यों नहीं कर सकती, वो कार के पीछे थी। हो सकता है जब वो बंद हुई हो तब उसने ये काम किया। तुम सही कह रही हो, ये अशरफी का ही काम है शायद। स्पीड सीनियर की मिरास को लेने के लिए बहुत कुछ। तुम्हें लगता है अब्बू कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता, बिल्कुल नहीं। फैज, मैं अशरफी के साथ सौदा करूंगा और देखूंगा कि क्या मुझे जवाब मिल सकते हैं। ये तुम्हारी गलती नहीं थी, हम साबित करेंगे। मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो, मैं परेशान थी। ठीक है, मुझे क्लास में जाना है। हाँ, मुझे जाकर यहीं रहना है और मुझे काम करना है। अब ठीक है, बहुत अच्छा, कमाल। ये है उमा, ये है देवन, ये पकड़ो मेली, ये
रहते हैं ये अपने दादा दादी के साथ। मजेदार कहानियाँ, हल्ला गुल्ला, दोस्ती, घर वाले और एडवेंचर। कहाँ गया? चलो मिलकर नहलाते हैं। तो फिर खेलो उमा और देवन के साथ। अब उर्दू ज़बान में सिर्फ टून्स पॉप पर। सफेद जुराब, सारी ही सफेद हैं। और अपने दफ्तर में सॉक्स कौन रखता है? यू। अमीर कैसे बने? ज्यादा अमीर कैसे बने? अमीर कैसे बने रहें? मैं वकार हूँ। मैं पूरी दुनिया जीतने वाला हूँ। मैं। बंद करो और इन सॉक्स को देखने में मेरी मदद करो इससे पहले कि। अब क्या? आदाब मेरी जान, आजादी कैसी लगी? जेल से ऐसे बार बार कॉल कर सकते हैं क्या? मैंने सलीम के फोन के लिए दोपहर का खाना दाव पर लगा दिया। अम्मी जान, अम्मी, क्या तुम्हें चाबी मिल गई? ये रही, अब क्या? अलमारी हमारे खुफिया ठिकाने में मौजूद है, अगर तुमने मेरा ड्रिफ्ट पकड़ लिया। वहाँ तकरीबन 60 मुख्तलिफ किस्म के घर हैं। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? जाओ वहाँ दूर खड़े हो जाओ, दूर, दूर, और दूर, और दूर। अबू। जितनी जल्दी हो सके अलमारी की चीजें अपने हाथ में ले लो, मैं नहीं चाहता कि वो गलत हाथों में जाए, और ये गहरा राज है, लिहाजा इन दो मस्करों को अपने साथ मत रखना। फिक्र ना करें, मैं नहीं रखूंगी। ओह, और क्या तुम मेरे बालों का जेल भी ला सकती हो? कैद खाने में बाल बहुत डरावने हो गए हैं। रिंच पाना, पेचकस, स्टीरियोस्कोपिक डेटा रीएनिमेटर, मैंने कहा स्टीरियोस्कोपिक चीज। हाँ, कितना प्यारा है। ओ, अच्छा, हाँ, लोग कहते हैं जब मैं काम कर रहा होता हूँ तो मैं प्यारा लगता हूँ। मैं सिर्फ ट्रैक ठीक कर रहा हूँ, ये मेरी अहम जिम्मेदारियों में से एक है। कितना प्यारा बंदर है। अरे, देख रहा हूँ कि तुम मेरे बंदर की तारीफ कर रहे हो। मैंने इसे खुद बनाया, ये बहुत एडवांस्ड है। देखो वो औजार इस्तेमाल कर रहा है। ओ, हमें भी हथौड़े की जरूरत नहीं है। चिमचिम, नहीं, अच्छा वक्त नहीं है। ये अहम है, मुझे लगता है किसी ने स्पीड की कार से छेड़छाड़ की। वो ठीक नहीं है। जानती हूँ, हमने मार्क 6 को दो बार चेक किया। मुझसे गैराज में मिलो। ओह, जल्द ही वहाँ मिलता हूँ। चिमचिम, और अशरफी, तुम्हारे वालिद कैसे हैं? अब्बू का छोटा समिशन लंच के बाद तक इंतजार कर सकता है। हे, तुम्हें वो स्पीड का क्रैश आउट याद है? कितना बढ़िया था। हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल ऐसा ही था। देख के बेवकूफ, मेरे ऊपर सारा पनीर गिरा दिया। क्या तुम्हें फ्राइज भी चाहिए? तुम दोनों चुप रहो और बैठ जाओ। अशरफी। हाय फैज, मिस किया मुझे? हाय फैज। नहीं, सच में नहीं। आज प्रोफेसर कशिश की क्लास में क्या हुआ? तुम क्या कह रहे हो? मैं जानता हूँ स्पीड के क्रैश से तुम्हारा कोई लेना देना है। स्पीड की बेकार ड्राइविंग की वजह से वो हादसा हुआ, उसने खुद उसे तोड़ा है। साबित करो तुम वकार के साथ नहीं हो। वो यहाँ नहीं है, हैं क्या? क्या फोन उठाना है? मैं अपने वालिद की तरह नहीं हूँ और मेरा इससे कोई लेना देना नहीं था। अच्छा, साबित करो। उनके लिए मैं अपनी कार को नुकसान क्यों पहुंचने दूंगी? मुझे नहीं पता तुम क्यों करोगी। मुझे नहीं पता। क्या तुम दोनों किस करने वाले हो? ओ फैज। अरे हलम। क्या हुआ तुम्हें? चिमचिम से पूछो। वो कौन है? चिमचिम के फैन क्लब की हिस्सेदार। ठीक है, ऐसा नहीं लगता कि कार के साथ छेड़छाड़ की गई है। करीब से देखो। पुरसरार, मालूम हो जाए कार के साथ क्या हुआ था तो मुआयना करना आसान होगा। चिमचिम, जल्दी जवाब दो। अगर तुम बुरा न मानो तो। अजीज वीडियो डायरी, आज मैंने अशरफी को टेको सलाद बार के सामने से गुजरते देखा। वो एक नजर थी जैसे कोई गोश्त की खास डिश। अरे, तेजी से बढ़ाओ, तेजी से। हाँ, अब ठीक है। वही पर रोक दो। मार्क 6 गायब, ये कैसे हो सकता है? वहाँ
ओ मेरा कीमती इंजन, मैं नहीं देख सकता। हलम कम ऑन। कार रेस में से 2 मिनट और 56 सेकंड्स में गायब हो गई और 2 मिनट 56.593 सेकंड्स में वापस दिखने लगी। ये तकरीबन 1.30 सेकंड्स के लिए गायब थी। इसका क्या मतलब? मैं एन उस लम्हे का कार का अंदरूनी डेटा रिकॉर्डर चेक करूंगा जिस लम्हे कार गायब हुई थी। ये देखो, यहीं पर है। ऐसा लगता है जैसे टाइम कोड गायब है, जो कि इंतहाई गैर मामूली है। खास तरीका इस्तेमाल हुआ है। जो भी हो, अशरफी ने ऐसा नहीं किया होगा। क्यों नहीं? क्योंकि वो खूबसूरत तो है लेकिन साथ ही अकलमंद भी है। वो ऐसी रेस में इस तरह नहीं कर सकती। उसूली तौर पर अगर छलांग पर काबू पा सकते हैं तो रेस के वक्त से कुछ सेकंड काट सकते हैं। क्या खूब, चलो इसे आजमाते हैं। क्या तुमने देखा पिछली बार क्या हुआ? तुमने हलम को सुना? क्योंकि मुझे फांसी का फंदा हासिल नहीं हुआ। तुम्हें उसूलों का कौन सा हिस्सा समझ में नहीं आया? वो रेसेस जो मैं जीत सकता हूँ, मैं एक लेजेंड बनूंगा। तुम पहले से लेजेंड हो। नहीं, मेरे वालिद हैं, लेकिन इसके साथ मैं रिकॉर्ड तोड़ सकता था। मैं ये नहीं कह रहा था कि आपको। मैं रिकॉर्ड तोड़ कर ही रहूंगा। स्पीड, ऐसा मत करो। अरे नहीं, मैंने अभी ट्रैक ठीक किया है, अब वो इसे फिर से बर्बाद कर देगा। क्या हो रहा है फैज? स्पीड कुछ बेवकूफी करने वाला है। इसमें कौन सी नई बात है? मैं चाहती हूँ आप ट्रैक पर आएं और उसे रोकें। मैं क्यों फिक्र करूं? वो रहा फैज। फिक्र मत करो। कार में कुछ गड़बड़ है, वो खुद को नुकसान पहुंचा लेगा अगर रोका नहीं गया। मैं कुछ करता हूँ। स्पीड, तुम क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हें बचाने से ज्यादा जरूरी काम है और आपको नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारे पास साबित करने के लिए कुछ है भी नहीं। मेरा यकीन करो। तुम कहाँ हो तिजोरी? ओ ये रही। जबरदस्त। फैज कुछ करो इससे पहले वो वहां खुद को मार डाले। मैं कोशिश कर रहा हूँ। ट्रैफिक। अच्छी कोशिश थी। मुझे भी यही लगा। कहीं जा रहे हो? मेरे रास्ते से हट जाओ फैज। तब तक नहीं जब तक तुम ये ना बता दो हो क्या रहा है। इस कार में कुछ है और जांचने में ज्यादा वक्त लगेगा। जो हुआ इस ट्रैक पर हुआ। कहना क्या चाहते हो तुम? मैं किसी काम को करने में मशगूल हूँ। मुझे फिर से कुछ अजीब सा दिख रहा है। स्पीड, रुक जाओ। हाँ हलम। मेरा मतलब नहीं। हाँ, वो वहाँ है। स्पीड। क्या तुमने वो देखा? हाँ। स्पीड वो क्या था? मुझे नहीं मालूम। तुम्हारी स्पीड उस वक्त 250 मील फी घंटा से ज्यादा थी। क्या तुम ठीक हो? हाँ हाँ ठीक हूँ। बढ़िया, अब तो मैं सबक सिखाता हूँ। क्या फैज तुम मदद नहीं कर रहे हो? ठीक है, मैं उसे ट्रैक पर रख रहा हूँ। चलो करते हैं। हेलो। तुम अलमारी तक पहुँच गई? जी अब्बू। और मेरे पिछले खर्चों को पूरा करने के लिए ये काफी है, साथ में इंटरेस्ट भी। अब सुनो मेरी प्यारी बिटिया। आवाज नहीं आ रही है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कोई नेटवर्क नहीं आ रहा है। जब मैं यहाँ से निकलूंगा तो तुम मुसीबत में फंस जाओगी, तुम सुन रही हो ना? हाँ, अपने लिए तो मैं बहुत कुछ करती हूँ। आगे आओ। ध्यान से, तुम कभी भी जाहिर हो सकते हो। स्पीड, तुम्हारी अलाइनमेंट गड़बड़ है, तुम्हें रुकना होगा अभी। हरगिज नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। अब देखते हैं तुम्हारा दम। हाँ बताओ। वर्चुअल मार्क। समझ गया। तुम लोग बेवकूफ हो। मैं एक पैटर्न देख पा रहा हूँ। मैं उस पर अपनी उंगली नहीं रख सकता लेकिन कुछ हालात जंप को ट्रिगर करते हैं। चलो ट्रैक पर ही रहना स्पीड। तुम लोगों ने देखा,
हाँ, मार्क 6 का अपनी जान को खतरे में डालना। लूसी ने ठीक कहा, ये बहुत गर्म है, इसके जल जाने से पहले तुम रुक जाओ। आखिरकार इस कार के साथ क्या हो रहा है? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये कमाल है। जब तुम कूदे तो कैसा लगा, क्या देखा? कुछ नहीं, मैं अचानक एक अलग जगह पर पहुंच गया था। दोस्त, मुझे भी ये ट्राई करना है। दोस्तों, तब तक नहीं जब तक हम काबू न पा लें। मैं उसकी तह तक पहुंच जाऊंगा अगर ये आखिरी चीज मैं करता हूँ। ये मेरी इंजीनियरिंग का अजीम काम होगा, मेरे मरम्मत किए हुए तुर्रे का कमाल। आराम से मेरे शेर, ये सिर्फ कार है। मुझे इसके बारे में इतना यकीन नहीं है। वैसे आप एक छोटी बहस में फंस सकते हैं। तुम जानते हो कि बिना इजाजत ट्रैक इस्तेमाल करने पर क्या होता है। गुस्ताखी माफ प्रोफेसर गुलफाम, मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वैसे ये बहुत बुरा हुआ कि आप कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि आपको ट्रैक साफ करना पड़ेगा। उफ यार। दोस्त, क्या तुमने देखा? हाँ, अभी इंतजार करो, उसके बाद बताएंगे हम मार्क 6 के साथ क्या कर रहे थे।